अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दिलावर हुसैन। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पूरा एक कोर्स चल रहा है जिसमें मैं सिखा रहा हूँ बेसिकली कि आप सिनेमा में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और प्रोजेक्शनिस्ट कैसे बन सकते हैं, सिनेमा ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। सो इसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप इसको फिज़िकली कैसे चलाएंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर से जो है वो इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे। सही है, तो इसके कुछ हार्ड पार्ट हैं, आप उनको फिज़िकली से ऑन करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो सॉफ्टवेयर से उसको जो है वो मूवी को प्ले करते हैं। सो इसमें मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा यूपीएस है, तो हर प्रोजेक्टर के बैकअप पर एक यूपीएस लगा होता है उसके करंट को स्टेबल रखने के लिए। तो हम सबसे पहले इसके यूपीएस को ऑन करते हैं। तरीके से हमने इसका यूपीएस जो है वो ऑन किया है और इधर से हमने जो इसके करंट की इनपुट है वो ऑन की है और इधर से हम इसकी जो बाहर से इसको स्विच को ऑन कर देंगे और ये कुछ सेकंड के लिए हम इसको प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद से हम ये हमारा जो यूपीएस है ये विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोजेक्टर की तरफ आएंगे, सबसे पहले इसको स्टेबल होने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास कोई भी यूपीएस लगा हुआ है सबसे पहले उसको पहले ही उसके ऊपर लोड नहीं डाल देना, सबसे पहले उसको चलाना है फिर उसके बाद उसको करना है। ये हमारा प्रोजेक्टर है और ये हमारा साउंड रैक है, ये दोनों उसके ब्रेकर्स हैं, ये हमने ऊपर कर दिए हैं। और इसके बाद आप प्रोजेक्टर के पिछली साइड पर देखेंगे ये ग्रीन लाइट है, ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी और इसके साथ डेडिकेटेड एक सिस्टम लगा होता है जिसके ऊपर आप इसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। सही है, इस तरीके के साथ। तो ये एक डेडिकेटेड सा पीसी होता है जिसको आप हमेशा के लिए इसके साथ ही रखते हैं और उसके ऊपर कोई और एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है और साथ में हमारा जो है वो साउंड रैक जो है वो भी ऑन हो रहा है। इसके बाद प्रोजेक्टर जैसे स्टेबल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा साउंड रैक है, ये ऊपर हमारा डॉल्बी का जो है वो साउंड प्रोसेसर है, ये नीचे सारे एम्पलीफायर्स हैं, ये सारे जो है वो एम्पलीफायर्स हैं जो स्पीकर्स के साथ कनेक्ट है। इनको यहाँ से आप फ्रंट से ऑन करेंगे, मुख्तलिफ बटन्स हो सकते हैं लेकिन ऑन इनको फ्रंट से ही किया जाता है, इनकी कोई भी सेटिंग जो है वो आप नहीं करते। जो आपका प्रोजेक्टर मेन टेक्नीशियंस होता है मींस के जो आपके पास इंस्टॉल करके देते हैं वही आपको एक बार सेटिंग इसकी करके देते हैं और फिर उसके बाद आप इसको नहीं छेड़ते हैं। सही है जी, ये सिंपल सा इसको फिज़िकली ऑन करना था वो मैंने कर दिया है। इसके बाद जो है अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आना है, तो आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। ओके जी, वेलकम बैक। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं, दो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं, एक कम्युनिकेटर है और दूसरा एक बारको का कमांडर है। कम्युनिकेटर के मेन बेसिकली दो पर्पसेस होते हैं, एक पर्पस इसका जो होता है वो ये, आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप के ऊपर रख कर सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं। या दूसरा इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप अगर खुदा ना खास्ता आपके प्रोजेक्टर में कोई एरर आ गया, कोई मसला है, तो आप इसको ऑनलाइन एक्सेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ऑनलाइन एक्सेस जब आप देते हैं अपने टेक्नीशियन को तो वो इसमें से इसकी लॉग फाइल निकालता है और उसमें डायग्नोज करता है कि मेन प्रॉब्लम किस पार्ट में है या क्या इसका प्रॉब्लम है। सही है, तो अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या कौन सी चीज़ है। ऑन करने के बाद ये है, इसकी आईपी डालेंगे, आप इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है आप इसके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो सिंपल सा एक डायलॉग बॉक्स है, ऊपर लिखा हुआ है लैम्प और साथ में इसके लिखा हुआ है डाउजर। डाउजर और लैम्प, बेसिकली जब आप लैम्प चलाते हैं तो इमेज जो है उसका प्रीव्यू आप स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं। अब उसको ऐसे शॉट जिसको आपको काटना है तो अब वो लाइट जो है वो पास कर रही है अपने आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप ब्राउज़र को जो है वो उस सीन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कट करनी है वहाँ पर आप ब्राउज़र को प्रेस करेंगे तो वो जो शॉट है वो बंद हो जाएगा और वो आगे नहीं प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर देगा। ब्राउज़र का बस इतना ही काम है। ये लैम्प है और इसके नीचे ये चैनल्स हैं, फ्लैट प्लेयर्स है और दूसरा स्कोप है, नीचे 3D फ्लैट है, 3D स्कोप है और फिर नीचे HDMI है, जो HDMI लगाकर आप लैपटॉप के ऊपर कोई भी डाटा जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सा इसका एक ओवरलुक है। ये बाकी नीचे प्रीसेट्स बने हुए हैं, प्रीसेट्स में मुख्तलिफ चैनल्स की सेटिंग है लेकिन जो प्रीसेट 1 है उसमें मेन सेटिंग्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे आ जाते हैं। ये टेस्ट पैटर्न्स हैं, जब आपको कोई मास्किंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप इनको जो है वो थ्रू करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये वाइट है और
दूसरी लाइट्स की जो हैं वो इसमें प्रीसेट बने हुए हैं, तो फिर आप उनसे मास्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सर्विसेज में आएँ तो यहाँ पर आपको लैंप कंज्यूमिंग आवर्स हैं और लैंप रिमेनिंग आवर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लैंप जो है वो कितना कंज्यूम हो चुका है, कितना रह गया है, और तो अब ये नीचे इसकी लाइट की फ्रिक्वेंसी है कि कितना हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आपका लैंप यहाँ से ऑन होगा, ये डाउजर है, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, ये कम्युनिकेटर था, इसमें अब कमांडर है जो बारको का। अब इसमें ये फैसिलिटी है कि आप सारा काम शो चलाने के साथ साथ आप इसमें सारा लैंप ऑन कर सकते हैं, ड्राउज़र का भी इसमें सारा होता है। तो अब ये स्टैंडर्ड एक आईपी है, इसको आईपी को डालने के बाद ये शो का अपने इसमें अकाउंट लगाना है और उसके बाद अपना पासवर्ड देना, वो पासवर्ड वगैरह ये सारा जो है वो आपका जो टेक्नीशियन है वो आपको देंगे। सही है जी, आप इसको अब लॉगिन करते हैं। अब ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया है, इसमें आप देखें ये नीचे लैंप और डोजर का ऑप्शन है। ये मैं कंट्रोल पैनल में आपको ले जाकर तफसील से बताता हूँ कि ये आगे आपके एक लैंप है और ये साथ डोजर है, ये साथ सारे चैनल हैं, यानी फ्लैट स्कोप और दूसरे ये सारे आप देख पा रहे हो। सही है जी, फ्लैट स्कोप और दूसरे, और इसके आगे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी कम्युनिकेटर्स वाली हैं, पैटर्न्स हैं और बाकी सारा मामला। इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चैनल की सेटिंग समझ में आनी चाहिए और ऑन ऑफ समझ में आना चाहिए, एंड दैट्स इट। जनाब यहाँ से ये आपका मेन है, यहाँ से आप कोई भी शो जो है बना पड़ा है वो आप यहाँ से इसको लोड करते हैं। ये टेस्ट के नाम से एक शो है, मैं इसको ओपन इन प्लेयर करता हूँ तो ये ओपन इन प्लेयर हो जाएगा, एंड आप इसको जस्ट प्ले करेंगे यहाँ से तो ये प्ले हो जाएगा इस तरीके के साथ। सही है जी।